नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्छायाणम नमो लोहे सबसाव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु नमः समय साराय स्वान्मूर्त्याचकार्थे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। सावधान रहिए, जनवाणी माता विराजमान हो चुकी है। समय सार ग्रंथाधिराज कल पहली गाथा मंगलाचरण अपना चला था, उसमें क्या बात आई थी उसे दो मिनट अपन पहले दोहराते हैं। उसमें ये बात आई थी, भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज ने अनंत सद भगवंतों को नमस्कार किया और जगत के भवजीवों को उन्हें आदर्श बनाने का उपदेश दिया। वे हमारे आदर्श हैं, वे प्रतिबिंब हैं। जैसा ये आत्मा का बिंब है, जरा शांत रहिए, मेहरबानी करके 8 बज चुके हैं, अभी भी शांति नहीं होगी तो कैसे होगी। अपन लोग तो मूकसुम हैं, गुरुदेव की लाइन के हैं, एकदम कैसा है, अलर्ट रहना चाहिए। भागते भागते आप आते हो, बैठ जाते हो, ये सुनने के लक्षण नहीं है, तो बात ही अलग है। ये कोई चलती फिरती बात है, आए जल्दी से बैठ गए, हाँ सुनाओ। क्या सुनाओ, अरे इसके पीछे बहुत ताकत लगती है। एक अनंत काल ऐसे ही तो हो गया, सब गप्पे लगाते हुए आ रहे हैं यहाँ, एकदम आप मौन से पहले बैठ जाएं 7:30 बजे से 15 मिनट तक निरंतर शांत परिणाम, विशुद्ध परिणाम। क्योंकि 5 लब्धियों में दूसरे नंबर की लब्धि विशुद्धि है, और विशुद्धि लब्धि के बिना देशना नहीं बैठती, और देशना के बैठे बिना प्रायोग लब्धि नहीं होती, और प्रायोग लब्धि के बिना कभी भी अनंत काल में करण लब्धि नहीं होती, और करण लब्धि के बिना सम्यक नहीं, सम्यक के बिना चारित्र नहीं, चारित्र के बिना मोक्ष नहीं, और मोक्ष के बिना अनंत सुख नहीं। वो बात है। चौथे नंबर की गाथा लेना है अभी। है सर्वसुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज हमारे जीवन का इतिहास बता रहे हैं। हे भवजीवों, तुमने अनंत काल में क्या सुना, क्या परिचय किया और क्या अनुभव किया। जिसको ज्ञानी सदा मना करते हैं उसी काम को हम करते हैं, पर वो मना करते हैं। किसके लिए मना करते हैं, कि सारे लोक में काम भोग संबंधी बंद की कथा सुनने में आई है। भगवान जयसेनाचार्य महाराज ने जो इसकी टीका की, उसमें काम में स्पर्शन और रसना इंद्री का विस्तार किया, और भोग में घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्री का विस्तार किया। यहां कुंदकुंदाचार्य महाराज कहते हैं कि ये काम भोग बंधन की कथा अनंत काल में अनंतवार सुनने में आई, परिचय में आई और अनुभव में भी आई, इसलिए जगत के जीवों को बहुत सुगम है। सिनेमा में 8 बरस के बच्चे को भेज दो और वो जब निकले तो सारे गीत सुनाता हुआ आएगा आपको, पूरा निकलने के बाद ये सब याद हो गया उसे, क्योंकि वो वही जाति का संस्कार पड़ा है, उसका रस पड़ा है, रुचि देखने में पड़ी है। इसे आप 1000 बार याद कराओ बच्चे को, अरे याद तो दूर रहो, बच्चे को ये कहो कि प्रवचन में चलो, अरे बाबू जी अब आप ही, आप बुढ़ापे में हम करेंगे धर्म, अब आप ये जाओ, बेटा तुम्हें मालूम है कि बुढ़ापा आएगा, ये गारंटी हाथ उठाओ, गारंटी दो कि हमारा बुढ़ापा आएगा। अरे जिन्हें बुढ़ापे की याद आती है वे कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम अभी करना है उसे आगामी काल पे छोड़ रहे हैं,
और जो काम कभी नहीं करना उसे अभी करने की तैयारी में 24 घंटे लगे हैं, कर सकते नहीं। एक एक विकल्प अनंत काल में दो नुकसान करता है। हर विकल्प नियम, कोई भी विकल्प हो, शुभ हो कैसे हो, बंद में थोड़ा अंतर होता है, घातीय कर्मों में, घातिया में कोई अंतर नहीं होता। घातिया में सब पाप प्रकृतियां हैं, अघातिया में पुण्य पाप का फेर पड़ जाता है खाली। और धर्म का प्रारंभ घातिया कर्म की हीनता से होता है, अघातिया से कोई संबंध नहीं है। नौवे ग्रहवक चला जाता है अभव्य जीव, अभव्य जीव नौवे ग्रहवक चला जाता है पंच परावर्तन में अनंतवार, कोई फर्क नहीं पड़ता। शांति का प्रारंभ तो घातिया कर्मों से है, जो मुंह का कर लिया था डॉक्टर साहब ने उत्तमचंद ने, वहां से है, उससे शांति का संबंध है, इससे कोई नहीं है। और कितने ही विवाह होता रहे, सौ और अशो दोनों प्रकार के, वो विवाहों में यहां भगवान कुनकुंदाचार्य महाराज कहते हैं कि तुम्हें ये परिचय में आया अनंत वार। अब एक एक पॉइंट जरा ध्यान देने की बात है, मैं बोलता जाता हूं इस गाथा के ऊपर। अच्छी तरह अगर आपका चित्त लग जाए तो समझ लो कि आप तो संसार से छुट्टी हो गई, अगर लग जाए तो, लगना बहुत मुश्किल है, और अगर आपका पुरुषार्थ है तो तैयारी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप विचार करो, अपन अपने अनुभव से टटोलो कि जिन वाणी में हमने जो जीवन में पढ़ा है, जो सुना है और पढ़ते हैं, राग आदि प्रकट किए दुख देन, आगे छोड़ दो तिन्हीं को सेवर के नचैन, ये दुख देने वाले हैं। सब विधि संसार सारा या मैं सुख ना ही लगा रहा, इसमें कहीं सुख नहीं है, ये हमने पढ़ा। अब इसकी पढ़ाई सच्ची कैसे हो? हमारे आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारा पढ़ाना पढ़ा बेकार है। अरे कोई नहीं पढ़ता, तुमने पढ़ लिया, वह इतना अंतर हो गया, फर्क क्या हुआ? तुम्हारा फर्क कैसे होता है? कि फर्क होता है कि जो लिखा है कि रागादि प्रकट ये दुख दैन, ये दुनिया में और कोई नहीं, ये दुख दैन है, ये मेरी अवस्था में जो रागादि हो रहे हैं। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि एक बात अगर हो गई तो तुम्हारी पढ़ाई सफल है। वो कौन सी बात है? वो है कि तुम्हें फीलिंग कैसा होता है ये बताओ। वो तो लिखा है, तुम्हें कैसा फीलिंग होता है? रागाधिक दुख रूप है, ये फीलिंग होता है क्या? और रागाधिक से भिन्न ज्ञानाधिक की दृष्टि ना हो तो ये फीलिंग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मिला होगे क्या? ये रात है कि दिन का पता है? दिन नहीं जानते हम, तो तुम्हें रात का भी ज्ञान नहीं है। ये फीलिंग कब होगा? जब ज्ञानाधिक का लक्ष्य होकर के ज्ञानाधिक प्रकट होगा, तब ये अनुभव अंदर में आएगा, ये रागाधिक दुखदायी है। और रागाधिक से एकता हटाएंगे हम। बाहर में देखो, कोई व्यक्ति कोई गंदा काम कर रहा हो या कुछ खोटा काम कर रहा हो, हमारी नजर पड़ती है, मुंह फेर लेते हैं, वही क्या देख रहा है, वो तो गंदा आदमी है, चोर है, लफंगा है, हम मुंह फेर लेते हैं। हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि उधर से तुम तत्काल मुंह फेर लेते हो, कितने चतुर हो, लेकिन ये विवाह कितने गंदे हैं और तुम्हारा मुंह नहीं फिरता और उधर ही एकत्र चलता है। जरा विचार करके देखो, हो जाएगी अनंत शिविर हो गए, एक आध दिन की बात है क्या? और काम यही होना है, इन्हीं शिविर में ही काम होना है। कोई कह जाओ अनंत हो गए तो एक क्या कर लेगा, और एक ही सब कर लेगा अगर हम तैयार हैं तो। पढ़ रहे हैं हम सारी जिनवाणी में चार गतियां हैं, उसमें नरक के इतने इतने दुख हैं, इतने इतने दुख हैं, कंठस्थ याद है, कंठ में नहीं उतरा, तो कंठ में कैसे उतरे? इसकी कोई विधि है? इसकी विधि सोच सरल है, अगर वो उतर गया तो काम हो गया। वो क्या विधि है? नरक के बहुत दुख है, नरक में बहुत दुख है, तिल तिल करें तेह के खंड, असुर भावे दुष्प्रचंड, बड़े दुख है पंडित जी नरक में। तुम झूठ मत बोलो,
दुख है। जनवाणी में लिखा है वो तो सच्चा है, ज्ञानी बोलते हैं वो सच्चा है, तुम्हारा बोलना झूठा है। हमारा बोलना झूठा, हम बोल रहे हैं नरक में बहुत दुख है, तुम बोलते रहो। सवाल ये है कि भाई बोलते रहे तो हमें ये बात कब अंदर में चचेगी कि नरक में दुख होता है और नरक मिलता कैसे है। तो तत्वा सूत्र पढ़ो, बहुत आराम वो परिग्रह में फंसने वाले गारंटी से नरक जाते हैं। चाहे चक्रवर्ती हो, राजा महाराजा हो, सेठ साहूकार हो, कोई भी दुनिया में हो, जो आराम में फंसे हैं वे गारंटी से नियम से नरक आयु का बंद करेंगे और नरक में जाएंगे। अब तुम्हें नरक से दुख लगता है, डर लगता है, लेकिन नरक जैसा आराम से मिलता है वो आराम छोड़ने के लिए तुम तैयार नहीं हो। पंडित जी ये मत बोलो आप, नरक ना जाए हे भगवान हम। ये तो भगवान कहते हैं नरक ना जाओ, ये तुम्हें तीन लोक में रोक कौन सकता है? सारा सिद्धालय ऊपर से नीचे आ जाए सिद्ध भगवान, वे भी तुम्हें नरक जाने से नहीं रोक सकते। तुम आराम में फंसे हो, नरक से रुक जाओ, वो सरल काम है। देखो प्रैक्टिकल जीवन है, मैं तो सुंदर बात गुरुदेव के चरणों में बैठकर सुनिए, जीवन बदलने की बात है। कितना परिश्रम के साथ ये शिविर लगते हैं और कितने परिश्रम से आप सब आते हैं, या कोई आप फालतू नहीं है घर से जो चले आए। कितना रस आपके अंदर में होगा कि 8 दिन तक आनंद लेंगे, जिनवाणी का मर्म समझेंगे, जीवन में हित करने का प्रचार करेंगे, तो उसको कर ही लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। नरक से डर लगता है और आरंभ छोड़ने तैयार नहीं। अब ऐसे डर लगने का फायदा क्या है ये बताओ हमें? पढ़ते रहो आप, तिल तिल करें देख एक खंड, तिल तिल करें देख एक खंड, पढ़ते रहो। त्रियंश गति से ढूंढ चीजें, ढूंढ देखते हैं, सुअर देखते हैं, हमारा तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, तुम्हारे आंखों में झूठे आंसू आते हैं, सच्चे थोड़ी आते हैं। यदि त्रियंश गति से डर लगता है तो मायाचारी को छोड़ो और सरल परिणाम अंतर लक्ष्य करके उत्पन्न करो। तो तुम्हें कौन माई का लाल इस तीन लोक में है जो तुम्हें त्रियंश आयु का बंद करे और त्रियंश गति में भेज दे? ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तुम मायाचारी ना करो, त्रियंश ढोर बन जाओ, कौन बनाने वाला है? पंडित जी हम तो स्वर्गों में जाएं, अब विशुद्ध परिणाम करो मत और पाप में लगे रहो, स्वर्ग में जाओ, कौन भेज देगा भैया? कोई भेजने वाला बैठा है ना? कोई कर्म बांधने वाला, ना कोई छोड़ने वाला, ना सुख देने वाला, ना दुख देने वाला। अपने ही परिणाम में, अपने ही हाथ में कलम है। ये कलम, आरंभ की कलम उठाओ तो नरक में चले जाते हैं जी देह छोड़ के। मायाचारी की कलम उठाओ ढोर बन जाते हैं। विशुद्ध परिणामों की कलम बनाओ, स्वर्ग में चले जाते हैं। शुद्ध स्वभाव के आश्रय से वितरागता प्रकट करो, मोक्ष मार्ग करके मुक्ति चले जाते हैं। तुम्हारे हाथ में कलम है, जो लिखना हो लिख लो। तुम्हारे हाथ में तकदीर बनाना है, कोई बनाने वाला यहाँ नहीं है, न उदय लाने वाला है, न मुक्ति ले जाने वाला है। बताने वाले ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं है, व्यवस्था स्वतंत्र है। यहाँ कुनकुंदाचार्य महाराज कह रहे हैं, देखो भाई जरा विचार करो। क्या विचार करें महाराज? कि विषय काम भोग बंधन कथा तुमने कितने बार सुनी, परिचय में आई और अनुभव किया। अब यहां भावार्थ में, भावार्थ को लेते हैं 4 लाइन। इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं, वह उन्हें मूल कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जूता जाता है, इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दास से पीड़ित है। एक उपाय सरल कितना है कि तमाशा जैसा है मुक्ति जाना, और कठिन इतना है कि अनंत काल हो गया और अनंत काल और हो जाए तो भी यहीं के यहीं बैठे रहेंगे। कारण क्या है? इतना कठिन और इतना सरल का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मुझे बहुत खुजली है भयंकर। अरे पंडित जी आपको ये तकलीफ है, आप तो प्रवचन कर रहे, कल्पना करो, मुझे बहुत भयंकर खुजली है। और खुजली का नियम है, अंदर खुजार चलती है, और डॉक्टर के पास मैं गया और डॉक्टर ने मुझे मलम दी कि पंडित जी मर जाना चाहे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि खुजाना मत, लगाओ ताकत, कितने पहलवान हो।
बहुत बहादुर हो, लगाओ ताकत, मर जाना खुदाना मत, मलम तीन टाइम लगाना। और हम मलम लेके आए और आले में संभाल के रख दी मलम को, और खुजली चली, और खुजा रहे हैं, और डॉक्टर साहब को अब शब्द बोल रहे हैं, देखो हमें मना कर दिया, हमें कितना मजा आ रहा है। और डॉक्टर साहब कहते थे मर जाना चाहे मगर खुजाना मत। अब बताओ इसका क्या इलाज क्या है, मुझे समझा दो आप तो यहां बैठ के, मेरी समझ में तो आ नहीं रही। कितना सरल काम है और कितना कठिन काम है बोलो आप, कि अगर ना खुजाओ और मलम लगाओ तो खुजली ठीक। ये अनादि से विषय कसाई की खुजली का भयंकर रोग है, और उसके दूर करने के लिए भगवान कुनकुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वही विषय का रोग है और वही विषय में तुम्हारा परिवर्तन है। क्या मुसीबत खड़ी कर रखी है तुमने, किसका साहब कुछ समझाने वाला नहीं मिलता, कि समझाने वाले भी ऐसे मूर्ख मिलते हैं जो ये कहते हैं क्या बात है सेठ जी कि भैया मकान में आग लग गई है। तो मकान में आग लग गई है क्या कर रहे हो, कुछ नहीं दो तीन घी है सो डाल रहे हैं बुझाने के लिए। तो सामने वाला बोला सेठ जी इतनी बड़ी आग लगी है दो तीन से नहीं बुझेगी, जयपुर जाके कम से कम 50 तीन लाओ जब ये आग बुझेगी। ये हाल है बताने वालों के। एक समझदार व्यक्ति निकला, समझदार तत्वज्ञानी रसिया, भाई सेठ जी क्या कर रहे हो ये आग बुझा रहे हैं, ये कैसे बुझा रहे हो, भैया 50 तीन तो डाल दिया वो बुझ नहीं रही। अरे कुछ नहीं तुम्हारे घर में कुआं है क्या, कि कुआं हमारे घर में, कुआं तो घर घर में है पूरे गांव में। अरे तो फिर ठीक है, ठीक क्या है, कि बाल्टी खींचो और डाल दो इस पे फिर क्या होगा, कुछ नहीं आग बुझ जाएगी, रास्ता नापो रास्ता नापो, हमें बुद्धू बना रहे हो, 50 तीन से 250 रुपया किलो में तो बुझ नहीं रही। देखो ये अपनी मूर्खता ही, अपना जीवन ऐसा चल रहा ढर्रे में, ये तो कोई महाभाग है जो पूज्य गुरुदेवश्री के महापुरुष मिल गए और हिला दिया जगत को, अरे क्या कर रहे हो, मौत हो जाएगी बेमौत छूट जाएगी। अब बताओ आप ये बात हमारे कैसे समझ में आए कि वो घी से नहीं बुझेगी पानी से बुझेगी, मुफ्त में बुझाना नहीं चाहते हम, मुफ्त की शांति नहीं चाहते हम, तो संयोगों को इकट्ठा कर करके नाना प्रकार के आरंभ में फंस फंस करके, और फिर ये चाहते हैं कि अब अपने को शांति मिले। हमारे सोचने का ढंग, विचार करने का, चिंतन का, मनन का, घोलन का, अनुभवन तो लास्ट पॉइंट है, उसका सारा खेल गड़बड़ हो रहा है, उल्टा हमारी विचारधाराएं एकदम उल्टी चल रही है। पर ये नियम है, जहां ये भ्रांति बैठी होती है, जहां ये मिथ्यात होता है, वह परिणामों की धारा विपरीत चलती है, नियम है। विपरीत अभिप्राय है तो परिणाम की धारा कैसी चलेगी, उल्टी चलेगी। सोचने का ढंग कैसा होगा, कोई ये कहे कि कहां जा रहे हो, कुछ नहीं साहब फॉरेन कमाने जा रहे हैं, 5 साल तक वहां कमाने में लगे रहे, थोड़ा पुण्य का वो दिन आया तो 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, और 5 करोड़ रुपया लेके आए बाबू जी लो ये 5 करोड़ कमा के लाया हूं, शाबाश बेटे अब तो मकान खरीद लो, ऐसा आराम खरीद लो। और हम गए हम मकान में, पंडित जी अब तो हमारे दिन फिर गए, अब तो 24 घंटे आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, ये मट्टी में से टपक रहा है क्या आनंद महल में, ये कौन से टाइप का आनंद है, ये जिनवाणी क्या कह रही है, तुम आनंद कर रहे हो, तुमने 5 साल फॉरेन में बर्बाद किए, एक बात समय बर्बाद हुआ 5 बरस का, 5 बरस तुम जिनेंद्र के दर्शन पूजन स्वाध्याय से वंचित रहे, 2 पॉइंट उनके उदय में संयोग मिला, उस संयोग में तुम निरंतर शांति की तुम्हारी उल्टी विचारधारा बह रही है, अब तो महल में आनंद है। पंडित जी झोंपड़ी में रह रहे थे, बड़े दुखी थे, झोंपड़ी से दुखी थे और महलों से सुखी होते हैं, ये भ्रांति निकले कैसे है बताओ आप, 45 बरस तक इस भ्रांति को निकालने के लिए, एक नजर बनाने के लिए कि तुम्हारे विचार सम्यक होने लगे, चिंतन की धारा बह जाए,
24 घंटा रोते रहती हो, जिसे देखो वो टेंशन में। सोनगर में आया पंडित जी, बड़ा टेंशन है, वो बहू कहना नहीं मानती। तो बेटा वहां जा रहा है, हम मना करते हैं। हमने कहा तुम चाहते क्या हो? तो पंडित जी टेंशन ना हो। तो हमने कहा कल से हो तो हमसे कहना, जिंदगी में नहीं होगा। मंत्र लिख लो जनवाणी का, तो बोल दो पंडित जी कि तुम्हारी चाय के अनुकूल कभी काम नहीं होता है, ऐसा लिख लो। तुम चाहते हो कि मेरी इच्छा के अनुकूल हो और उसकी योग्यता नहीं है और वो होता नहीं है, तुम्हें टेंशन हुए बिना। सीधी सी तो बात है, और तुम्हें उल्टे उल्टे चलना है और टेंशन नहीं हो तो क्या करे? हो ही नहीं सकता टेंशन। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल प्रणमन करना, प्रणमन भी हो जाए तो ये जानो कि मेरी इच्छा से कुछ नहीं हुआ, उसकी योग्यता से होना था सो हो गया। तो नहीं होगा तो तुम्हें दुख नहीं, हो जाए तो सुख नहीं। वस्तु के स्वरूप का बारंबार तुम विचार करोगे, अरे आनंद है अपना, क्या प्रणमन हो गया, उसकी योग्यता थी सो हो गया, और हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई। सास बहू लड़ रही है, ये देखो पंडित जी बहू को समझा दो, ये समझती क्या है मैं सास हूं। तुम सास हो तो तुम लड़का को नहीं हो। और बहू परेशान, देखो पंडित जी सासू जी को समझा दो आप, मैं रात दिन लगी हूं, तुम कोई सुनता नहीं है मेरी। मैंने कहा तुम दोनों बैठ जाओ, दो मिनट में तुम्हें सुखी कर दें। कि बैठ जाओ, पंडित जी बैठ गए। बोलो कि तुम सास कब से हो? बोले 4 साल शादी होंगे बच्चे की, 4 साल से हैं। और तुम बहू कब से हो? कि पंडित जी 4 साल से हैं। और आत्मा कब से हो? पंडित जी अनादि से हैं। वो कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहेंगे। तो काय को हल्ला मचा रहे हो, काय को हल्ला मचा रहे हो? अगले भव में ना सास रहना है ना तुम्हें बहू रहना है, आत्मा तो रहना है, और आत्मा थे और आत्मा हो और आत्मा रहोगे। भैया जरा सी बात कर लो, काय को झगड़ा कर रहे हो? 24 घंटा आपका हमारा अज्ञान बैठा है ना, वो 24 घंटा परेशान करता रहता है। ज्ञानियों ने तो लिख दिया, 14 रायोग पुरुष संतान तामे जीव अनादित है भ्रमत है, बिन ज्ञान अज्ञान से रुलता है। अज्ञान को क्या चाहिए? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भाई पंडित जी को भूख लगी है, 1-2 तोला चांदी देना, चांदी से भूख थोड़ी भगती है। भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, और अज्ञान को तोड़ने के लिए भेद ज्ञान आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान चाहिए। कोई किसी की जरूरत नहीं है। जब अज्ञान से दुख है तो सम्यक ज्ञान से सुख होगा, सीधी बात है। और सम्यक ज्ञान आत्माश्रित है, कोई पराश्रित नहीं है। बाहरी संयोग तो पराश्रित है, उदय ना हो तो ना मिले। हर समय हमारा दुख, क्या बताएं आपको? आप जिस सब चीजें लेके जाओ, सवेरे 5 बजे से रात को 9 बजे तक चल रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर इतने में ना समझ पाए तो फिर कहीं नहीं समझ पाओगे, दुनिया में कहीं चल जाओ। स्वर्गों में तो और ज्यादा परेशानी है, 1 इंद्री तक हो जाता है। नरकों में तो संगी पंचेंद्री निकलता है जीव, क्योंकि नरकों में रहना नहीं चाहता, नरकों से विरक्त है, नरकों की मट्टी से विरक्त है, नारकियों से विरक्त है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, भगवान ही भगवान याद आते रहते हैं। ऊपर उठता है संगी पंचेंद्री होता है, और देवता भोगों को छोड़ना नहीं चाहता, तो नीचे गिरता है तो 1 इंद्री में जाता है। अब देवता कहाँ है? वैमानिक देव के ऊपर, और नारकी कहाँ है? कि नीचे, और हम कहाँ है? कि मध्य लोक में। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं तुम्हारे क्या हाल है, ऊपर के नीचे? अरे महाराज क्या समझ में नहीं आई? अरे समझ में नहीं आई, कहाँ जाना है? नारकियों को देख लो, अगर विरक्त हो परतपों से तो ऊपर चले जाओ, और रक्त हो भोगों में तो नीचे चले जाओ, मध्य लोक में तुम रह रहे हो। कितनी शिक्षा मिल रही है दोनों से, नारकी भी शिक्षा दे रहे हैं और देवता भी शिक्षा दे रहा है दूसरे स्वर का ही केंद्र। जो परिस्थिति बने एक नियम बना लो, अपनी मन स्थिति नहीं बिगड़ना चाहिए, वस्तु के स्वरूप को सामने रखो हर समय। 5% आंखें काम कर रही हैं, पंडित जी अब तो बेकार है जिंदगी, अब का जिंदगी हो, अब तो जीवन बेकार है, 5% काम कर रही हैं। अरे 5% काम कर रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सारा अखबार का स्वाध्याय 2 घंटा करते थे और आंखें फोड़ते थे, पाप कमाते थे, विकथा करते थे, कर्म बांधते थे, अब कम से कम कर्म बांधने से बचे, आंखें 5% काम कर रही हैं। पंडित जी कान 2% काम कर रहे हैं, अब कुछ सुनाई नहीं देता, भाग्यशाली हो कुछ सुनाई नहीं देता, सुनने की जरूरत ही नहीं है बाहर की,
और तुम तो एक काम करो कि खुद ही अंदर नमोकार मंत्र बोलो, आत्मा का स्मरण करो, चिंतन करो मंत्रों का, वो खुद ही सुनो। वो तो सुनाएगा कि नहीं? कि पंडित जी वो तो सुनाएगा, मगर वो है तो बोल, वो टीवी नहीं सुनाएगी दुपहर में। तुम्हारा बार बार मन में चलता है, हम समझ गए तुम्हें अनंत काल से, जिसको मना करती है जनवाणी तो वही आदत। 2% रहे तो तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है कि वो सुना नहीं रही उनकी बातें जो करते थे बड़ी प्यारी लगती थी। अरे वो प्यारी नहीं थी, वो जीवन बर्बाद करने की थी। आंख गड़ा के देख रहे हो, आंखें काम नहीं कर रही। पंडित जी क्या करें, अब तो टीवी नहीं देख पाते। अरे देखने वाले को देखो, बिना आंख के देखोगे? आंख की जरूरत ही नहीं है, आंखें मूंछ लो और देखो। पंडित जी बात तो सच्ची है परंतु, हाँ बात ठीक है परंतु, घर जाओ, परंतु परंतु लगा रहे हो। बात तो अच्छी है लेकिन, बात तो अच्छी है किंतु, ये किंतु परंतु लेकिन में माचिस लगाओ, बहुत हो गए। बात तो अच्छी है, अच्छी है तो फिर तकलीफ क्या हो रही है, अच्छी है तो परंतु काय के लिए लगा दी। इतना सरल काम क्या बताएं, निहाल किया है पंचम काल में कैसा भाग जागा कि अपन इस समय पैदा कैसे हो गए। ये है सबसे बड़ी बात, मन गुरुदेव तो आते और चले जाते, अपन जमाने में पैदा हो गए, ये कितने भाग्यशाली हैं। भगवान कुनकुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुमने जो नहीं सुना वो हम तुम्हें सुनाएंगे। कि महाराज मेरा एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है बोलो, कि आप इस एकत विभक्त आत्मा को सुनाने तैयार हुए हो तो मैंने समूषण में नहीं सुना, और आप कह रहे हो तुमने सुना ही नहीं है आज तक अनंत काल में। महाराज मेरा ये प्रश्न है, मैंने कैसे नहीं सुना? समूषण में गए तो भगवान की देवध्वनि में तो ये बात आई कि नहीं, शुद्धात्मा की महिमा के आई तो भगवान की वाणी में, तुमने कहा सुनी? तो महाराज आप सुनना किसे कहते हो? कि सुनना उसे कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आया, बोला बेटा एक गिलास पानी लाओ, मेहमान आए अपने। बच्चा खड़ा है, दोबारा फिर कहा एक गिलास पानी लाओ, खड़ा है। क्यों सुना नहीं तुमने? भाऊजी आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं सुन रहा हूँ बराबर, एक गिलास पहले बोला आपने, एक गिलास दोबारा बोला, मैं अच्छी तरह सुन रहा हूँ। ये सुनने के ढंग होते हैं, तत्काल दो गिलास पानी आ जाता तब सुना कहा जाता। सुना किसे कहा जाता है? कि वो देशना प्रायोग में करण में निमित्त बजा करके बने तो वो देशना देशना काम करेगी, अन्यथा वो देशना तो अभव को भी हो जाती है, तुम्हारी क्या चतुराई है? ज्ञान करा रही है जिनवाणी हमें, हर समय तुम्हारा अंतराय का उदय आता है और बाहर में परेशानी दिखती। पंडित जी इन्हें समझाओ जी, हमारे काम में अंतराय डालते हैं, इन्हें कहा कुछ समझाओ, तुम क्यों नहीं समझे? तुमने पिछले टाइम में अंतराय किया किसी में और अंतराय कर्म बंधा, अब उसका उदय आया है तो तुम क्यों डरते हो उससे? उस संयोग तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? जिनवाणी ज्ञान करा रही है कि देखो भाई दुनिया में क्या सुनने लायक है और क्या सुनाने लायक है। कि ये एक विमुक्त आत्मा की बात मैं सुनाऊंगा, यही सुनने लायक है और यही सुनाने लायक है। महाराज मेरा एक निवेदन है बोलो, कि महाराज आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं एकद विभक्त आत्मा को बताऊंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। महाराज आपने प्रतिज्ञा की और आपने अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, संबर अधिकार, बंध अधिकार, निजरा मोक्ष इतने अधिकार लिखे, और आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं एकद विभक्त को बताऊंगा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा झूठी थोड़ी है, ये अधिकारों के नाम अलग अलग हैं, तुम तो केवल एक काम करना सब काम सिद्ध हो जाएंगे। मैं क्या एक काम करूं महाराज? कि तुम तो उसे एकत विभक्त की दृष्टि करना तो अजीब भिन्न दिख जाएगा तुम्हें, आश्रम बंध टूट जाएगा, संबंध दशा प्रकट हो जाएगा, मोक्ष की प्रतीति हो जाएगी, अल्पकाल में मोक्ष दशा प्राप्त हो जाएगी। तुम तो उसे एकत विभक्त का ध्यान रखना, मैंने जो बताया तुम्हें, यह चिंता नहीं करना कि आश्रम कैसे मिटे, आश्रम की चिंता माथे में मत रखो। इस संबर कैसे प्रकट है? संबर तो अपने आप दौड़ता आएगा, आश्रम भागता नजर आएगा। कब? जब तुम इधर देखोगे तब। बड़ा सरल काम है महाराज, एक काम हमारे हाथ में, भाई एक काम तुम करो, बाकी सब कुदरत करने तैयार है। कि महाराज तैयार तो है, ना हुआ तो फिर वही तो किंतु परंतु, तुम्हारे साथ कितनी मुसीबत लगी जरा विचार तो करो। किंतु परंतु में
तुमने सुन लिया जिनवाणी में और पढ़ लिया, भैया चाहे जितनी पूजा करो, सब पुण्य बंध का कारण है, बंध का कारण है, धर्म तो है नहीं, पुण्य बंध का कारण है। और पुण्य बंध करके वो भगवान की पूजा तो छोड़ रहे हो, सवेरे 6 बजे दुकान में आराम में रस ले रहे हो और पूजा को हे कह रहे हो कि तुम्हारी हाल है। पंडित जी शास्त्र में लिखा है कि पुण्य ही है, और शास्त्र में तो लिखा है तुम मत बोलो कि पुण्य ही है। क्यों पंडित जी, हम क्यों ना बोले ये बता दो आप। तुम इसलिए मत बोलो कि पुण्य को हे कहते हो, पुण्य के फल में रस लेते हो, ऐसे पापी हो। क्या कहा पंडित जी, क्या सुन रहे हो तुम, पुण्य को हे कह रहे हो और पुण्य के फल में रस ले रहे हो और पाप कमा रहे हो और पुण्य को हे कह रहे हो, तुम्हारे मुख से अच्छा नहीं लगता। ये उन ज्ञानियों के मुख से अच्छा लगता है जिन्हें उपादेय स्वरूप आत्मा को अपनी दृष्टि में लिया है। वे पुण्य को हे कहते हैं और पुण्य के हे कहने से पुण्य नहीं छूटता, उससे एकत्र टूटता है, भिन्नत्व होता है। पुण्य तो छूटेगा 10वें गुण स्थान के अंत में। पंडित जी शास्त्र में लिखा है कि पुण्य पाप हे है, तो शास्त्र में लिखा है कि पुण्य पाप हे है, तो आप बता दो। एक सज्जन आए बड़े विरोधी कसाय में चलते हुए, पंडित जी एक बात बता दो आप लोगों के अध्यात्म बहुत चलते हैं, पाप पहले छूटता है कि पुण्य पहले छूटता है, सीधी सीधी बात बता दो आप। तो ये सीधी सीधी हम क्या बता रहे हैं, जिनवाणी में लिखी है कि ना पहले पाप छूटता ना पहले सर्वथा पुण्य छूटता, पाप और पुण्य दोनों है कर्म और तुम मानते हो धर्म, ये है तुम्हारा भरम, भरम छूटता है। बोलो क्या कहना है। पंडित जी ये तो हमने सुना ही नहीं था, आज नहीं सुना था तो कोई बात नहीं है, हमारी गलती थोड़े, हमारी गलती समझ लो, चलो तुमने नहीं सुना। अरे तीर्थंकर 83 लाख पूर्व तक घर में रहे, सर्वथा पाप नहीं छूटा, सर्वथा पाप तो मुनि दशा में छूटता है, सर्वथा पुण्य छूटने की बात तो बहुत दूर की बात है, वो तो श्रेणी मारने वालों को बुद्धिपूर्वक छूटेगा 10वें गुण स्थान में। लेकिन ये पाप और पुण्य दोनों हैं कर्म और तुमने इस पुण्य में माना है धर्म, ये है तुम्हारा भरम। तो क्या छूटता है पहले, कि भरम छूटता है, और भरम के बिना कभी पाप छूटता नहीं, और पाप छोड़े बिना कभी पुण्य छूटता नहीं, और पूर्ण पाप का नाश हुए बिना कभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं। कारण सरल भी है कठिन भी है, खुद धारा कितने परिश्रम से आप सब लोग आए होंगे, कितनी ताकत लगी होगी पीछे जरा देखो, अपन तो फट से सवेरा उगाओ चलो नाश्ता, चलो साहब जल्दी चाय पानी, चाय पानी के लिए थोड़ी आप आए हो, आप जिस काम से आए वो काम करके जाना चाहिए, पूरी ताकत उसमें लगा दो, बाहर की दुनिया में होड़ मत लगाओ, होड़ लगाने वाले हमें मिले। बहुत बड़े दिल्ली में एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके साथ में वो अग्रवाल साहब वगैरह थे जिनका 2 नंबर वार्ड में है, 2 नंबर। तो वो सेठ जी हमसे बोले, पंडित जी ये हमारे मित्र हैं, इनका वार्ड में 2 नंबर है। बहुत बढ़िया बात है, हमने कहा वार्ड में 2 नंबर है वो तो छोड़ो, ये सुखी है कि नहीं। बोले पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मैंने कहा आप परेशान हो, अरबों खरबों रुपया भरे वर्ल्ड में 2nd नंबर का मतलब क्या होता है, अरबों खरबों भरे आपको क्या परेशानी है। बोले पंडित जी परेशानी ये है कि मैं सोच रहा था कि नंबर 1 आ जाए और नंबर 3 आ गया। क्या हुआ काई परेशानी है, मैं सोच रहा था वर्ल्ड में पहला नंबर आ जाए, दूसरा तो है ही और नंबर आ गया तीसरा। मैंने कहा मैं एक मंत्र दे दूं आपको, आपका दुख छूट जाएगा, नंबर 10वां आ जाए तो भी। पंडित जी दे दो, बहुत बढ़िया बात है कि सुन लो, पहला नंबर भी आ जाए तो शांति नहीं मिलेगी, शांति अंदर आत्मा में है, जो अभी आपने सुना 1 घंटा मंदिर में बैठ के। बोले पंडित जी सुनने में मेरे परिणाम इतने उज्जवल हुए जो अरबों खरबों में नहीं हुए। तो अरबों खरबों से इससे का संबंध क्या है, सबसे पहली जिनवाणी की एक शर्त है कि जो चीज कर्म के उदय की पुण्य की है उसमें कभी भी संयोगों में सुख मानने की भ्रांति मत रखो, पहला नंबर का काम है। संयोग में शांति मानोगे तो संयोगी भाव एक क्षण भी मिटेगा नहीं, शांति कभी जिंदगी में प्रगटे ही नहीं, क्योंकि संयोग से सुख का कोई संबंध नहीं है 3 लोक में। वो बात नहीं है जनवाणी कह रही है, भगवान कुंदाचार्य अपने को ज्ञान करा रहे हैं।
बाहर की दुनिया में होड़ मत लगाओ। ज्ञानियों के पास कैसे सुंदर विचार हैं कि अपन क्या होड़ लगाएं, अगर अपना पाप का उदय हुआ तो जो पल्ले में है वही चला जाएगा, होड़ क्या लगाएं। और होड़ लगाने के लिए कदाचित पुण्य का उदय आ गया और अपने बहुत मिल भी गया तो अभी शांति कहां होगी भाई। आप मिला काय के लिए रहे थे, हम भोग सामग्रियों को मिलाना चाहते हैं, वो मिलती नहीं है तो हम दुखी होते हैं, किसी को मिल भी जाए तो वो कल्पना में सुखी होता है और भोगने में लगता है, नहीं मिलना वो परेशान है मिलाने के लिए, जिसे मिली है वो परेशान है भोगने के लिए, दोनों ही परेशानी में है। ये परेशानी कैसे निपटे, निपटने का तरीका ये कि संयोग है, क्षणिक है, पराधीन है, कर्माधीन है, उदयाधीन है, इसके भोगने के भाव में पाप है और फल में नरक है, ऐसी गलती अब जिंदगी में नहीं करूंगा। कितने ही मिल जाए, चक्रवर्ती के घरों में क्या कमी थी भरत जी के, देखते ही नहीं थे उधर, क्या देखना है उसे, देखने लायक ये है और दिखाने लायक ये है, वो देखने लायक नहीं दिखाने लायक नहीं। वो लक्ष्मी भी उनके पास रहना चाहती है, हम रात दिन चिंता करते रहे हे भगवान हमारे पास राज सारी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कहती है तुम सारी के पापियों के पास क्या रहेंगे, हम तो उनके पास रहेंगे जो हमसे दूर रहते हैं और अपनी आत्मा के नजदीक रहते हैं, उनके पास पुण्य के उदय में लक्ष्मी रहती है, वहां टिकती है। भगवान केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा समूह शरण में विराजमान है, सारे तीन लोक के उत्कृष्ट परमाणु वहां लगे हैं और भगवान अत्फर है, एक बीता छू नहीं रहे। उस सिंहासन कह रहा है महाराज छू तो लो, कम से कम छूने में क्या है, कि नहीं तुम छूने लायक नहीं हो, देखने लायक नहीं हो, देखने लायक ही है छूने लायक ही है। इस समूह क्षण में भगवान ज्ञान करा रहे हैं अपने को, दृढ़ता लाने की बात है। तत्व की तत्व का रंग तो खूब खिल गया सारा और काम सरल भी हो गया, लेकिन अब जीवन में अंदर अभिप्राय एकदम ऐसा सुंदर पुरुषार्थ जगे वो अपना जीवन सफल हो जाए, वो सब नहीं डाला। देखिए दायक दाज इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उनकी ओर दौड़ते हैं, विषयों का दुख दूर करने के लिए विषयों की ओर दौड़ते हैं और परस्पर उसी विषय का उपदेश करते हैं। इस प्रकार काम भोग की कथा अनंत मार सुनी, परिचय प्राप्त किया, अनुभव सुलभ है, किंतु सर कर्तव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को अपने से कभी नहीं हुआ और जिन्हें वो ज्ञान हुआ उनकी कभी सेवा नहीं की, इसलिए उसकी कथा ना तो कभी सुनी, ना परिचय किया और ना अनुभव किया। बहुत सरल काम हो गया। हमारी 24 घंटा देखो आओ, हमारे बाबा दादा का जरा जीवन देखो और हमारा जीवन देखो। वो अगर हम बहू को ले माने जाएं तो 8-10 दिन तो शांति से रह रहे हैं, सामने वाला अगर पूछ ले क्यों साहब कब जाना है, कब जाना है, अच्छा जा रहे हैं, रखो बच्ची को घर में, कब जा रहे हैं की बात कर रहे हैं, अभी तो आए हैं, अभी तो रुकेंगे 10-15 दिन, और अब हम जाते हैं तो क्यों साहब अभी 2 घंटे बाद का टिकट है, जल्दी तैयारी कर लो, टाइम कहाँ है। जिनवाणी हमें ये ज्ञान करा रही है कि तुम्हें ज्ञान कर लो, जो होने की योग्यता है उदय की संयोगों की वो होते रहेंगे, वो परिस्थिति चलती रहेगी, तुम चिंता छोड़ दो, तो एक काम कर लो। क्या काम कर लें महाराज, क्या कर लें, जो परिस्थिति बने उसमें मन स्थिति मत बिगाड़ो, तुम्हारी मन स्थिति नहीं बिगड़ना चाहिए। तुमने क्या गलती कर रखी है चिंतन नहीं होने से, कि काम की लिस्ट बहुत बड़ी है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम आज अपने को 25 काम करना है और 5 काम होने की योग्यता है, उदय पाप का है, काम होता नहीं है, अंदर अज्ञानता आकुलता और टेंशन हुए बिना रहता नहीं है, लिस्ट इतनी बड़ी है। अब बताओ आप ये कैसे हो, दुनिया में एक काम है जिसको ज्ञानियों ने किया है और उस लाइन पे हमें चलना चाहिए। दुनिया के काम पूरे करना चाहे तो जीवन पूरा होगा, काम पूरे नहीं होंगे, किसी के हुए हो तो नाम बोल दो। पंडित जी बात तो ठीक है, काम तो पूरे नहीं होते, जीवन पूरा हो जाता है, फिर करना क्या चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, एक काम है जो पूरा कर सकते हो आप,
एक काम है वो पूरा हो जाएगा। हाँ, पूर्ण की दृष्टि बनाओ, पूर्ण का प्रारंभ हुआ हो अल्पकाल में, पूर्ण हो जाएगा, छुट्टी हुई मुक्ति में आनंद का रस उत्पन्न करो। अरे जी, तो बड़ा सरल काम है, जी काम एक पूरा होगा, और बाकी काम नहीं होंगे, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है, उदय पाप का है, और हो भी जाए तो तुम्हें चैन कहां पड़ेगी, क्योंकि तृष्णा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि तीन लोग की संपत्ति उस गड्ढे में जरा सी दिखती है। ये 36 नंबर का श्लोक गुण भद्राचार्य महाराज फरमाते हैं। वो सरल काम है, चिंतन तो करना पड़ेगा। देखो भाई, अगर ये नहीं किया हमने तो हमारे आचार्य ज्ञान करा रहे हैं, तुम्हारे पास ज्ञान विवेक मिला किस लिए, ये जिनवाणी मिली किस लिए, ये ज्ञानी गुरु मिले किस लिए, इसलिए मिले हैं कि इनके द्वारा कहा हुआ वचन जीवन में अंतर में दृढ़ता से रहे, हर समय कभी भी संयोग की भावना हो मिलाने की तो बहुत सही याद आना चाहिए, वो उदय प्रमाण है, हमने मिलाने से नहीं मिलेगा, और पुण्य के उदय में मिल भी जाए तो उससे शांति नहीं होगी, फिर क्यों आकुलता कहते हो। एक तो पाप का उदय होगा तो मिलेगा नहीं, एक बात, पुण्य का उदय हो और संयोग मिल भी जाए तो शांति नहीं होगी, क्योंकि संयोग से शांति का कोई संबंध नहीं है। देह का टिकना आयु प्रमाण है, तुम्हें चिंता क्यों है, मर ना जाए। अरे मरा है कोई आज तक, नाम तो बताओ एक हाथ का, एक का नाम बताओ जो मरा हो। पंडित जी आप कैसी बातें कर रहे हो, जयपुर में बैठे हो, बगल में ही कल मरे हमारे। अरे मरे होंगे, अज्ञानी तो मरते ही हैं भाव मरण से। पंडित जी मरना क्या? हमने तो सवेरे से रोना आता है, जैसे ही हमने शुरू किया अनित्य भावना का, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। तो जिनवाणी कह रही है कि तुम कहाँ मरोगे, कहाँ लिखा है इसमें, इसमें कहाँ लिखा है तुम मरोगे। अरे लिखा है ना राजा राणा छत्रपति हाथिंग के स्मार। अरे तो राजा मरेंगे, राणा मरेंगे, छत्रपति मरेंगे, तुम छत्रपति हो, राजा हो, क्या आत्मा हो, अच्छी पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। 45 बरस तक भगवान आत्मा से शुरू होता है, भगवान आत्मा में पूर्ण होता है प्रवचन, और तुम रो रहे हो मर ना जाए। अरे क्या बात कर रहे हो, अनादि अनंत अजर अमर हो, मरने की चिंता कर रहे हो, मरने वाला मरता होगा, तुम तो अमर हो, तुम्हें क्या चिंता है कि कोई मर रहा है जी रहा है, तुम्हें थोड़ी पाप लगेगा, तुम मारोगे तो पाप लगेगा, दुनिया में लाखों मर रहे हैं, हमें काहे का पाप लग रहा है, हम किसी को मारने का भाव करें तो पाप लगे। कितना सरल धारा हमारे जीवन की बदलना चाहिए, लाइन सारी पूज्य गुरुदेव ने हमें स्पष्ट बताई। अरे एक चीज को सामने रखो, तुम्हारा जो स्वरूप है उसे भूलो मत, तुम्हारी भूल होते ही ये कारमान बरगना तैयार बैठी हैं और तत्काल कर्म बनते हैं। तुम यहां से हटे और वहां जरा तुमने चूके, फट से कर्म तैयार बनने के लिए तैयार है, और तुम यहां से नहीं हटे तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, उनको तो तुम्हारी राग रूपी खुराक चाहिए, और तुमने स्वभाव की दृष्टि कर रखी है। अब दुनिया में कौन माई का लाल है जो तुम्हारे संयोग में कर्म आ जाए बन जाए, और तुम स्वभाव से हटो तो कौन माई का लाल है कि तुम कर्म बंध से बच जाओ और दुख ना पाओ। सारा देह का टिकना आयु प्रमाण है, छुट्टी होती रहेगी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, देह छूटेगी दूसरी मिल जाएगी। पंडित जी एक प्रश्न है, बोलो, सब बोल दो तुम जितने प्रश्न हो, कि अगर ना मिली तो, अगली देह ना मिली तो, अगर ना मिली तो बड़े भाग्यशाली हो, सिद्धालय में जाओगे, क्योंकि जिन्हें देह नहीं मिलती वे तो सिद्धालय में जाते, बाकी तो देह मिलती है, आयु का बंद होता है, गति में जाना पड़ता है। कौन ऐसा है तीन लोग में बताओ जिसने आयु का बंद किया हो, नई देह ना मिली हो, और जिन्हें नहीं मिलती वे तो सिद्धालय में जाके अनंत सुख को भोगती। कोई अपेक्षा ना करो, हर समय ज्ञान को पूरा आगे रखो, मोह को नीचे लातों में रखो, विवेक को ऊपर रखो। हमने विवेक को नीचे रखा है, मोह को हावी रखा है यहां, और वो 24 घंटा चलो 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 24 घंटा परेशान करता रहता है।
हर समय जो देखो वो दुखी दिखता है। भैया क्या बात है? अरे मंडी जी कुछ नहीं, हम प्रवचन करने गए थे, चार आदमी लेने आए, एक कार ले आए, तो तुम दुखी क्यों हो गए हो? कि कुछ नहीं, कम से कम 15 आदमी तो आते, अब अपेक्षा के जाल में हम फंसने, अब बैठ गए, चार आदमी आए कार में बैठे, फिर दुखी हो रहे हैं। सामने वाला बोले क्या बात है पंडित जी? अरे कुछ नहीं, तुमने यही नहीं पूछा कि घर वाले सब ठीक हैं? फिर आगे चले तो दूसरे ने पूछा घर के सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक। फिर दुखी, फिर काहे में दुखी? अरे तुमने यही नहीं पूछा कि पंडित जी तबीयत ठीक है कि नहीं? अरे तुम प्राण निकल जाएंगे तुम्हारी, तुम इस अपेक्षा के जाल में फंसोगे। निरपेक्ष आत्मा का आराधन छोड़ते हो और अपेक्षाओं की ध्यान रखते हो, उधर पल्ले में है नहीं है और अपेक्षा इतनी रखते हो। अरे बाहर में चैलेंज करो संयोगों को, हट जाओ तुम। तुम आओगे तो अभी देखूंगा नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम नहीं आते ये भाग्यशाली हूं मैं। आचार्य ज्ञान करा रहे हैं, सोचने का ढंग ऐसा बनाओ कि बार बार यहां आओ, आना यहां है हर समय। पाप के उदय से डरो मत। लोग घबराते हैं, पंडित जी बड़ा पाप का उदय चल रहा है, हम तो बड़े पापी हैं। वहां लिखा है पापी हो, पाप का उदय तो लिखा है जिनवाणी में, तो तुम्हारा पाप का उदय चल रहा है। जी कहां लिखा है कि तुम पापी हो? क्यों, पाप के उदय से कोई पापी होता है क्या? और पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा होता है? 1 करोड़ रुपया रोज आ रहे हैं, बहुत पुण्यात्मा है, कौन कहता है पुण्यात्मा है? मोह भाव हो रहा है तो पापी है। पंडित जी 1 करोड़ रुपया, अजो 1 करोड़ आ रहे हैं तो वो तो पुण्य खलास हो रहा है, पाप बन रहा है। 1 करोड़ आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो पंडित जी पापी और पुण्यात्मा कैसे हैं? पाप भाव रूप प्रणमन करो, पापी हो। पुण्य भाव रूप प्रणमन करो, पुण्यात्मा हो। वीतराग भाव रूप प्रणमन करो, धर्मात्मा हो। वीतरागता की पूर्णता करो, परमात्मा हो। ये है लाइन सीधी। अब काय को रो रहे हो? पाप का उदय है और पुण्य का उदय है। अरे उदय तो बदलते रहेंगे, बदले हैं, तुम्हें क्या लेना देना तुम्हारे में कहाँ उदय है? तुम्हारे अंदर तो अधिक भाव होने तक की योग्यता है, उदय की नहीं है। उदय सदा काल अत्यंत भाव वाला है, तुम्हें क्या चिंता करने की जरूरत है? दूसरे के मकान में मकान गिर रहा है कि बन रहा है कि सोना लग रहा है, तुम क्या चिंता कर रहे हो? अरे ये खोद रहा है, अरे खोदन दो, तुम्हारा खोद रहा है क्या? ये बात कहने की नहीं, जीवन में है, जीवन बनाने की है। हमारी विचारधारा जिनवाणी के अनुसार, ज्ञानियों के अनुसार चलना चाहिए, हमारे उल्टे विचार। छोटामल जी ने 3 जगह मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिया है कि सारे जगत में जितने जीव दुखी हैं वे अपने विपरीत विचारों से दुखी हैं, और विपरीत विचार जहां होते हैं वहां विषय कषाय की वासना बढ़ती है, और वो विषय कषाय की जो वासना बढ़ती है उससे जीव महा दुखी होता है, क्योंकि वासना तो दुर्दाई है ही। हरी महाराज बड़ा कमाल की बात है, तुम जो बात नहीं सुनना मना कर रही है जनवाणी उसी को बार 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 सुनते हो, बड़ी चिंता बनी रहती है तुम्हें। अब आज तो भोजन मिल गया है, कल का क्या होगा? अरे कल का क्या होगा? उदय होगा तो मिलेगा, और नहीं उदय होगा तो तीर्थंकरों को 7 महीने नहीं मिला, तुम लगते कौन सी गली गए? थोड़ा तो विचार करो जरा। 6 महीने का उपवास बेटा चक्रवर्ती कामदेव शरी के, 4 ज्ञान के धारी, संयम के धारी, उनको ऐसा अंतराय संयोग में हो रहा है, कल क्या मिलेगा? कल की चिंता काय को कर रहे हो? स्वरूप का चिंतन करो। ऐसी भावना भाव के ही अनशन स्वभावी आत्मा की आराधना हो और ये अनशन छूट जाए सदा काल को। तुम तो कल की भूख की तलाश करके अभी पाप बांध रहे हो, क्या मालूम कल हुआ कि नहीं हुआ इस पर्याय में, और पाप बांध के काय को ले जा रहे हो। पंडित जी आप समझ नहीं रहे, पेट की बहुत चिंता है, पेट की चिंता उदय ने ले रखी है। तुम चिंता छोड़ो वरना बेकार परेशान हो जाओगे। पेट की चिंता कौन ने ली है? उदय ने ले रखी है। अगर उदय होगा तो तुम्हें ऊपर से आएगा। बड़े बड़े रामचंद्र जी जंगल में, यहाँ चातुर्मास करेंगे जंगल में, अब लक्ष्मण जी बोले भाई साहब यहाँ तो घनघोर जंगल है, यहाँ क्या करेंगे? 2 रोटी तो मिलना नहीं है। बोले मिले चाहे ना मिले जी, अपनी साधना करना है अपने तो। और साधना करने लगे, मन देवता ऊपर से आ गया, पूरा नगर बसा दिया, महाराज भोजन तैयार है। रामचंद्र जी बोले यार अच्छी मुसीबत है, बताओ आप जहां जाओ वहीं भोजन। महाराज जो उदय है तो वो तो मिलाएगा,
आप भोगो ना भोगो ये आपकी चतुराई है, लेकिन उदय का काम तो मिलाना है और हटाना है। उदय मिलेगा और हटेगा। आप अपनी चिंता छोड़ दो, कहीं भी दुनिया में तीन लोक में जाओ, बार बार विकल्प होता है, वहां चले वहां चले वहां चले वहां क्षेत्र में चले वहां क्षेत्र में चले, वहां आनंद रहेगा, वहां शांति मिलेगी। अब शांति दुनिया में कहीं चले जाओ, स्वक्षेत्र में आओगे तो नरकों में शांति है, और स्वक्षेत्र को भूलोगे तो स्वर्गों में भी दुखी हो। कहीं चले जाओ, जाने से क्या मतलब होता है। बहुत सरल काम है, टाइम अपना पूरा है, 5-10 मिनट ज्यादा हो गए, पता नहीं लग पाता, घड़ी तो बहुत तेज चलती है। ये तो ऐसी चिंतन की धारा है। ये भगवान कुछ गुरुदेव धन्य है आपको, कहाँ से सीख के आए और क्या सिखा गए, निहाल कर दिया जगत को। सामने वाले भी घबराते हैं बेचारे, भले ही कुछ कहते रहे मुंह से, अंदर जानते हैं कि बात तो ये है। ओम शांति। परिस्थिति